जब बाबर हिंदुस्तान फतह करने के लिए हिंदुस्तान में दाखिल हुआ इस वक्त बाबर के पास 13,000 की फौज थी और इसका मुकाबला था पठान सल्तनत के सरदार इब्राहिम लोदी के साथ। इब्राहिम लोदी के पास तकरीबन 1,00,000 की फौज के साथ साथ हजारों की तादाद में हाथी भी मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद बाबर को पूरा यकीन था कि वो इब्राहिम लोदी को आसानी से हरा देगा, क्योंकि बाबर के पास एक ऐसा हथियार था जो आज से पहले हिंदुस्तान में किसी ने नहीं देखा था, और वो हथियार था बाबर की खतरनाक तोपें। पानीपत के करीब जहीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान गुमसान की जंग हुई। इब्राहिम लोदी ने जब यह देखा कि मेरी फौज बाबर के मुकाबले में हद से ज्यादा है तो उसने अपनी पूरी फौज को एक साथ हमले का हुक्म दिया। बाबर की सारी तोपों ने जब एक साथ गोले बरसाना शुरू किए तो इसकी गरज से इब्राहिम लोदी के सारे हाथी बफला गए। तोपों की गरज सुनकर इब्राहिम लोदी के हाथी ना सिर्फ उल्टे पांव भागे बल्कि भागते हुए इब्राहिम लोदी के हजारों सिपाहियों को कुचलते चले गए। बाबर ने जब अपनी दुश्मन फौज के ये हालात देखे तो इसने अपनी 13,000 की फौज को हमले का हुक्म दिया। बाबर की 13,000 की फौज इब्राहिम लोदी की फौज पर टूट पड़ी और पूरी की पूरी फौज को दरहम बरहम कर दिया, जिस पर इब्राहिम लोदी